मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, स्काई मेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है महेश पलावत। आज 1 अगस्त हो गई है, 2 महीने मानसून के गुजर चुके हैं और आपने देखा था कि जून का महीना जो समाप्त हुआ था वो 8% की कमी के साथ हुआ था और जुलाई के महीने में सामान्य से 17% अधिक बारिश हुई है। तो कुल मिलाकर के इस समय पूरे भारत को 8% ज़्यादा बारिश मिली है, लेकिन इसके बावजूद हमें दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और केरल, ये जो राज्य हैं ये अभी भी रेन डेफिशिएंट हैं, इनमें बारिश की कमी काफ़ी ज़्यादा है। धान की बुवाई अभी भी कम हुई है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में, लेकिन अभी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। हालांकि आज कई इलाकों में यूपी और बिहार में तेज़ बारिश की संभावना है जो अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेगी, लेकिन बिहार और झारखंड में बारिश की थोड़ी जो गतिविधियाँ हैं अब कम हो जाएंगी। अगर उत्तर भारत से शुरुआत करें तो जो एक्सेस ऑफ मानसून तरफ है वो अब उसके थोड़ा सा जो नॉर्मल पोजीशन है उसके नॉर्थ में आ गई है, फिरोजपुर से होती हुई गुजर रही है और ये जो पूर्वी इसका सिरा है वो तराई में आ गया है। तो अब क्या होगा कि पंजाब के और हरियाणा के जो उत्तरी ज़िले हैं इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी, पहाड़ों पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन ही रहेगी और 3 तारीख से एक बार फिर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो पूर्वी राजस्थान है वहाँ बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर बाकी इलाकों की बात करें यानी पूर्वी भारत की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी होंगी 1 अगस्त को, और 2 अगस्त को बारिश की गतिविधियाँ बिहार से थोड़ी कम हो जाएंगी, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी थोड़ी सी कम होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जारी रहेंगी। खास करके जो तराई के इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड से लगे हुए, वहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। और अगर हम पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा की बात करें यहाँ हल्की से मध्यम बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में ये असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में तेज़ बारिश होगी और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। अगर मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में छत्तीसगढ़ में अभी भी लाइट टू मॉडरेट रेन जारी रहेगी और पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी। और जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि 3 और 4 अगस्त को पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी, उसमें थोड़ा सा डिले है, यानी कि 4 या 5 अगस्त से वहाँ पर बारिश शुरू होगी और 6 और 7 अगस्त को जो पश्चिमी राजस्थान है और गुजरात है वो इलाके कवर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगले 3-4 दिनों के बाद जाकर के पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। तब तक उनको इंतजार, उन इलाकों को इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, विदर्भ है, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। मराठवाड़ा में भी बारिश की गतिविधियाँ हल्की ही रहेंगी। कोकण एंड गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। मुंबई में भी कोई बारिश की गतिविधि अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, लेकिन 5 तारीख से मुंबई और थाने, दहानू और जो भी पश्चिमी तट है वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो मानसून दक्षिण भारत में फिर से रिवाइवल पर है और तेलंगाना के साथ साथ कर्नाटका के कई इलाकों में तेज़ बारिश होगी, भारी बारिश होगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में, केरल और जो तटीय कर्नाटका है वो भारी से अति भारी बारिश अगले 2-3 दिनों के दौरान होगी। बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, लैंडस्लाइड और मडस्लाइड हो सकता है, यानी रेड अलर्ट की सिचुएशन वहाँ पर बन सकती है। तमिलनाडु के आंतरिक जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी तेज़ बारिश कई इलाकों में होगी, यानी कि दक्षिण भारत में मानसून रिवाइवल पर है और मध्य भारत में भी मानसून अब रिवाइवल पर आ जाएगा। 3-4 दिनों के बाद राजस्थान, गुजरात और बाकी इलाकों में मध्य भारत में तेज़ बारिश की संभावना है। खास करके अगर राजस्थान की बात करें तो अभी अगले 2 दिनों के दौरान सवाई माधोपुर से लेकर के कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़ यहाँ पर हल्की बारिश होगी। 2 दिनों के बाद यहाँ बारिश बढ़ जाएगी और दिल्ली NCR में भी 3 और 4 तारीख को अच्छी बारिश की संभावना नज़र आ रही है। इसके आगे जो अपडेट होगा मैं आपको आगे अपडेट दूंगा स्काई मेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।